दोस्तों, अब मैं पहुंच चुका हूं द्वितीय केदार पर, जो पंच केदार में से दूसरे स्थान पर आता है और जिनका नाम है मधमेश्वर। इसके लिए आपको उखी मठ से होकर रांची पहुंचना होगा और रांची से आपकी यात्रा शुरू होगी। अब हम अपनी यात्रा मधमेश्वर केदार के लिए आरंभ करने लगे हैं। हर हर महादेव। जहां आप अपनी कार पार्क करेंगे वहीं पे पास में आपको होम स्टे भी मिल जाएगा और यहां से आपको घोड़े भी मिल जाएंगे। ये ऊपर तक आपको 6,000 लेते हैं दोनों साइड के, वन साइड का ये 3,000 लेते हैं। ये आ गया पैदल मार्ग श्री मधमेश्वर का। ये नीचे उतर रहा है यहाँ से अभी तो रास्ता, बाकी आपको आगे दिखाऊंगा जैसा भी रास्ता हुआ। ये थोड़ी दूरी पर ही आपको ये बोर्ड मिल जाएगा कि रास्ते में कौन कौन से गांव पड़ेंगे। पहला आएगा गोंडार, फिर आएगा नानू और फिर मधमेश्वर। मधमेश्वर इन्होंने लिखा हुआ है कि 14.5 किलोमीटर है यहाँ से। बाकी मैं आपको बता दूंगा लास्ट वीडियो में कि ये कितना किलोमीटर है, क्योंकि ऐसे ही केदारनाथ में इन्होंने 16 किलोमीटर लिखा हुआ है, जो लगभग 23 किलोमीटर के आसपास पड़ता है वो ट्रैक। तो अब मैं ये भी आपको बता दूंगा लास्ट वीडियो में। हर हर महादेव। आप देख सकते हैं कैसा रास्ता है ये, और इस पर आपको शिव भक्त बहुत ही कम मिलेंगे। ये रास्ता जंगल में से होकर गुजरता है और आपको ऐसी ऐसी आवाज़ें सुनने को मिलेंगी। ये जा रहा है रास्ता आगे से, वो वहाँ से होकर आगे। बाकी जैसे भी होता है भोलेनाथ अपने पास बुला ही लेंगे। हर हर महादेव। तो रास्ते में झरना मिलेगा, यहाँ आप नहा भी सकते हैं। योगेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय योगेश्वराय महादेवाय खिले हो हर डाली और धरा हरियाली, यही है प्रकृति की सुंदरता जिससे है खुशहाली। ये यहाँ पे देवीधार मंदिर है। ये आप देख सकते हैं प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे, ये आपका मन मोह लेंगे। और वो जो नदी है कितनी सुंदर है, उसकी आवाज़ आप सुन ही सकते हैं। ये देखिए आपको कितनी बड़ी बड़ी छिपकलियाँ देखने को मिलेंगी यहाँ पे। ये अब मैं गुंडार पहुँच चुका हूँ, मुझे 1.5 घंटा लगा है यहाँ पहुँचने में। 9:30 बजे मैं नीचे से चला था और अब 11 बज चुके हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। भंडार में आपको होम स्टे भी मिल जाएगा। ये इस रूम में 5 लोग सो सकते हैं, 500 रुपये लेते हैं ये। और ये यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ का व्यू।
और अटैच बाथरूम भी है। अभी हमने गोंडार में अपना खाना खाया और वो बहुत यम्मी था, मज़ा आ गया। आपको इस ट्रैक पे एक सबसे अच्छी बात ये है कि आपको यहाँ दूध भी मिल जाएगा और दूध से बनी चाय और दही, ये आपको बाकी किसी ट्रैक पे नहीं मिलेगा। ये बंतौली में भी आपको अच्छे होम स्टे मिल जाएंगे, यहाँ भी आप रुक सकते हैं रात को। बंतौली में आपको बोर्ड लगा मिलेगा कि यहाँ से आगे कौन कौन से गांव पड़ेंगे और ये रास्ता जा रहा है, ये वक्त घोड़े पे जा रहे हैं। यहाँ पे आपको रास्ता तकरीबन बना हुआ ही मिलेगा सारा, बीच बीच में थोड़े से पैचेज आते हैं जो कच्चे हैं, बाकी तो ऐसा बना ही हुआ है। और गुंडार के बाद आपको खड़ी चढ़ाई मिलेगी, के बाद आपको जंगल में से ही गुजरना है, सारा जंगल है ये और चढ़ाई बिल्कुल खड़ी ही है, बस ऊपर चढ़ते जाना है। और ये आवाज़ आपको सुनाई देती रहेगी, आपके साथ साथ ही चल रही है जैसे। के बाद खड्डरा आएगा, ये हम पहुंच चुके हैं खड्डरा, और खड्डरा के बाद आएगा नानू। अब हम नानू के लिए निकल पड़े हैं। खड्डरा के बाद चढ़ाई बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है, बिल्कुल सीधी नानू तक। वो सामने उस पहाड़ पे बर्फबारी शुरू हो चुकी है, वो देखो मौसम बदल गया वहाँ ऊपर। और यहाँ भी हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है और ठंडी हवाएं चलने लगी हैं, तो हमने भी अपने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं ताकि ठंड से बचा जाए। नानू पहुँच चुके हैं, यहाँ पर भी आप स्टे कर सकते हैं। और ये जा रहा है मधमेश्वर रास्ता, ये देखो कितना प्यारा है, ये भक्तों को ऊपर से नीचे लेकर जा रहा है। चलेगा भोले, ओ भोले। अभी हमने इनको बिस्कुट खिलाए हैं और अब ये सोच रहे हैं कि और मिलेंगे, पर अब ख़त्म हो गए हैं, अब आते हुए लेकर आएंगे तो खिलाएंगे। इसके बेचारे के चोट लगी हुई है, कितने प्यारे हैं ये देखो। हाँ जी, हाँ जी, खत्म हो गए, खत्म मम, हम पहुँच चुके हैं मैखंबा। ये यहाँ पे भी आप रुक सकते हैं, यहाँ पे एक दो होम स्टे है, नानू में एक था। और अब मैं आपको दिखाता हूँ हम कितना चल चुके हैं, 16, हम 16.16 किलोमीटर चल चुके हैं और अभी भी यहाँ से लिख रखा है 3.95 किलोमीटर, तो मतलब जो नीचे लिखा हुआ है वो तो गलत है। मैखंबा के बाद आपको घने जंगल में से ही गुजरना पड़ेगा, ये देखिए चारों तरफ जंगल ही जंगल है। बस हम, मैं और मेरा दोस्त ही चल रहे हैं इस घने जंगल में, और तो कोई है नहीं, बस भोलेनाथ ही हैं साथ, चल रहे हैं भोले का नाम लेके। हर हर महादेव। ऐसा भी नहीं है कि आपको इस ट्रैक पे बिल्कुल भी भक्त नहीं दिखेंगे भोले के, हमें उतरते हुए तो काफ़ी भक्त मिले थे और जाते हुए जो जा रहे थे वो घोड़े पे चले गए, तो बस पैदल तो मैं और मेरा दोस्त ही आ रहे हैं भोले पे, और तो घोड़े पे चले गए।
हम दोनों ही जंगल में हैं, आराम आराम से चल रहे हैं ताकि आराम से पहुंच जाएं और भोले बुलाई लेगा पास। हर हर महादेव। कुंचट्टी, चट्टी में भी आप स्टे कर सकते हो, यहाँ 350 में टेंट मिल जाएगा आपको पर पर्सन, 350 में खाना देंगे प्लस और रात को रहने के लिए। और अगर आप कमरे में रुकना चाहते हैं तो आपको ऐसा बेड मिलेगा 200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से, और खाना अलग से है इसलिए। अब हमारा मधमेश्वर यहाँ से थोड़ा सा ही रह गया है, पहुँचेंगे, 5 बज गए हैं शाम के, देखो कितने बजे पहुँचते हैं। हर हर महादेव। वो आप सामने देख रहे हैं, वो ऊपर बर्फ़ पड़ी है, वो सुबह कुछ नहीं था, अभी थोड़ी देर पहले वहाँ बर्फ़ पड़ी है और मौसम में बहुत चेंज आ गया है, काफ़ी ठंड हो गई है यहाँ पे। हर हर महादेव। ये जो सामने जंगल देख रहे हो शिव भक्तो, अब हम इसी में से निकल के आए हैं, अंधेरा होने लग गया है तो चल रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि अपना ये शिव भक्त थोड़ा स्लो है। महादेव शिव भक्तो, अब हम पहुंच चुके हैं बाबा की नगरी, और हम अब जंगल में से आए हैं, बिल्कुल अंधेरा हो चुका था, लाइट जलाकर टॉर्च अपने फोनों की, तो अमन बहुत प्रसन्न है, भोलेनाथ के दर्शन हो गए हैं, अभी आपको भी करवाता हूँ, ये देखो पीछे मेरे। हर हर महादेव। त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय। ये आगे बाबा के धाम, देखिए यहाँ के नज़ारे, ये रहे महादेव, देवों के देव महादेव। आरती चल रही है, ये देखिए पहुँच गए हम भी, आरती अटेंड करते हैं जाकर। हर हर महादेव। तड़के के लिए तेल डाल दिया है, सरसों का तेल डाल दिया है, और अब डालेंगे इसमें क्या, जीरा डालेंगे, तब जीरा या राई जो भी होगा, जीरा भी डालेंगे, राई भी डालेंगे, दोनों चीज डालेंगे मिलके। और देखो भाई, भोले के भक्तों के लिए खाना तैयार हो रहा है यहाँ पे, और प्याज पूज बिल्कुल नहीं चलेगा यहाँ पे, ओए होए होए, क्योंकि आज बिल्कुल इनके लिए मैं, इन्होंने प्याज, क्या नाम है अपना, मेरा नाम जीत सिंह पवार, जीत सिंह पवार जी अब हमारे लिए खाना बना रहे हैं, और इन्होंने इनके पास ही रुके हैं, क्योंकि आज इन यूनियन में आज नंबर इनका है, हम इन्हीं के पास रुके हैं, और इन्होंने वहाँ हरियाणा में खाया होगा प्याज टमाटर, आज इनको बिल्कुल सादा खाना खिलाऊंगा, ओए होए, बिना प्याज बिना टमाटर के, लेकिन एक नंबर खाना होना चाहिए बस, लेकिन जब खाएंगे तभी बोलेंगे कि एक नंबर है कि दो नंबर है कि पांच नंबर है, ठीक है बोले, पहले क्या बोलना है, ठीक है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। भाई ये बन गई है दाल तुम्हारी, नाइस नाइस नाइस, तो बाद में तुमने बोला ना, हाँ हाँ, तभी देखी जाए। यहाँ पे जो खाना खा रहे हैं, घर जैसा खाना है, भाई ने घर जैसा खाना बना के दिया है, मज़ा आ गया खा के। हर हर महादेव। महादेव शिव भक्तों, तो सुबह हो चुकी है, 7:30 बज चुके हैं, यहाँ रुके थे, बढ़िया नींद आई, और वॉशरूम भी है यहाँ पे साथ ही कमरे में, और ये भाई है, बढ़िया खाना खिलाया इसने, और अब मैं दिखाता हूँ आपको मंदिर, वो सामने मंदिर है, अभी मैं आपको पास से दिखाऊंगा। रात आरती की थी हमने वहाँ, फिर उसके बाद हम सो गए थे, और दोबारा दर्शन करेंगे। हर हर महादेव। अपने देवों के देव महादेव। महादेव शिव भक्तों, तो अब सुबह के 7:30 हो चुके हैं, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम मधमेश्वर धाम, तो हम रात को यहीं सोए थे,
क्योंकि हम रात को यहाँ 7-1 बजे के पास पहुँचे थे, तो उस टाइम आरती हो रही थी, तो वो भी हमने अटेंड की। और अब हम दोबारा दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो अब दर्शन करते हैं, फिर उसके बाद खाना खाते हैं, फिर नीचे उतरते हैं और फिर तृतीय पंच केदार पर जाते हैं और दर्शन करते हैं वहाँ के। हर हर महादेव। बाबा जी को श्री मधमेश्वर धाम, यहाँ पर भोलेनाथ के नाभि की पूजा की जाती है। ये देखिए, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, हर हर महादेव। शिव भक्तों, ये है मधमेश्वर धाम, पंच केदार में से एक। अभी सुबह के दर्शन किए हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं महादेव के, मन बहुत प्रसन्न हो गया। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप यहाँ पे स्टे अपनी मर्जी से किसी भी होम स्टे में नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ नंबर होता है कि आज इस घर का नंबर है, आज उस घर का नंबर है, वही आपको खाना खिलाएगा। यहाँ यूनियन बनी हुई है और यहाँ से जब ये कपाट बंद होंगे मधमेश्वर धाम के, तो यहाँ से डोली ओखी मठ जाएगी, वहाँ पर ही महादेव की पूजा होती है 6 महीने तक, फिर मई में यहाँ आ जाएंगे महादेव। हर हर महादेव। शिव भक्तों, अपने द्वितीय केदार की यात्रा भी पूरी हो चुकी है और अब मैं आपको बताता हूँ, ये ट्रैक जो बोर्ड पे लिखा है वो सही नहीं है, ये लगभग 21 किलोमीटर पड़ेगा आपको वन साइड। और अब हम अपने तृतीय केदार की तरफ चलते हैं, जिनका नाम है टूंगनाथ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि आप अगले केदार की भी यात्रा देख सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव।